में जब से आंगनबाड़ी बनी है ना तो लाइट का कनेक्शन है और ना ही पीने का पानी। सरकार के बड़े बड़े दावे, दरअसल हकीकत कुछ और है। दरअसल यहाँ केंद्र पर दिया जाने वाला खाना सड़े अनाज से बनाया जा रहा है। गुमथला गढ़ू स्कूल में बने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए रखे राशन को देखा। यहाँ गेहूं आटे के थैले रखे थे, थैले को खोलते ही बदबू उठी, देखा तो उसमें कीड़े लगे थे। इसके अलावा यहाँ रखे चावल को देखा तो इसमें भी छोटे छोटे कीड़े पाए गए। टंकी में रखे गेहूं के अलावा कट्टों में गेहूं रखा था, कट्टे के फटे हिस्से से जब आटा बाहर निकला तो इसका भी आलम यही था। CDPO और सुपरवाइजर को भी कोई सुध नहीं। ये आंगनबाड़ी में कब से बनी है और कब से लाइट नहीं है यहाँ? ये जब सन 11 से लागू हुई है जी, तभी से लाइट नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की है? सब कितनी बार दे चुकी हूँ जी मैं। कहाँ पर शिकायत की? ये अपने CDPO द्वारा जी, CDPO के पास रिटर्न में दे के आई हूँ। हाँ जी। इतनी गर्मी के अंदर आप कैसे रह रहे हो, बच्चों को कैसे खिला रहे हो? बार बार कहते हैं जी, जितनी अब भी टीम में बहुत से आए हैं जी, वो भी कहते हैं मैडम कैसे बैठ रहे जी। मैं क्या करूँ जी, मैं मैडम को मैं तो कह सकती हूँ जी, वो औरतें भी आगे कहते हैं मैडम तो खुद लगवा दे जी, मेरे पास इतनी गुंजाइश है नहीं, मैं अपने आप कहाँ से लगवा लूँगा। गर्मी में बच्चों को बीमारी का भी डर लगता है। पानी तक का भी प्रबंध नहीं है जी आंगनबाड़ी में, पानी भी हमारे को इधर उधर से जाके लाना पड़ता है जी, पानी भी नहीं है जी। तो आपने अपने अधिकारी से इसके बारे में बात की हुई है जी? अभी रिपोर्ट में मतलब जो प्रोफॉर्मा भर के देती हूँ उसमें भी सब कुछ लिख के देती हूँ कि मेरे पास ना लाइट का प्रबंध है यहाँ ना पानी का प्रबंध है। तो आप कब से शिकायत कर रहे हैं अधिकारी को? ये शुरू से जी। कितने साल हो गए जी? वैसे तो मतलब इस बिल्डिंग में जब की आई हुई हूँ जी, सन 11 से आई हुई हूँ जी, सन 11 से दे रही हूँ जी रिपोर्ट में यही सब कुछ जी। कोई भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं जी। यहाँ जो भी आते मैडम आती है जी, यहाँ अब 22 तारीख को भी होके गई है, भाई को भी बोला है तो कोई नहीं कोई टाइम पास करो जी, कैसे टाइम पास करें जी? जब आपको कहते हैं टाइम पास करो। हाँ जी। मेरा नाम रानी देवी है, मैं गाँव मुंथला ग्रुप से आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और मेरे पास 3 से 6 साल के बच्चे, 3 से 4 या 5 आ जाते हैं और मेरे पास पंखा और लाइट नहीं है जिस कारण मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैंने अधिकारियों से भी कई बार लिख के दे दिया है कि यहाँ पर लाइट का प्रबंध किया जाए और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में? वो कह रहे भी हम लिख के दे दिए। कितने साल हुए आंगनबाड़ी को यहाँ पे? यहाँ तो 2016 में आई यहाँ, तो वैसे तो हम 95 के लोग। 2016 से अब तक कोई पंखा नहीं लगा आपने, इतने अधिकारी कोई सुनवाई नहीं किया आपकी? हर बार रिपोर्ट ले रहे हैं जी, हर बार। संतोष जी, इसमें जो आटा छाने अपन है इसमें क्या मिला? इसमें घी, सुंडियाँ, सुरसरियाँ, कीड़ा बहुत, हम अपने बच्चे न खिला नहीं सकते। ये कितने का आटा पड़ेगा यहाँ? ऐसी कोई बात नहीं, ई भी बने अचानक तो।